उस दिन पूरी तरह हम भांग के नशे में थे। जी हाँ मैडम, उस दिन तुम दोनों को इतनी चढ़ गई थी कि तुम्हें बीच हाउस भी मैंने छोड़ा। और उस दिन मौसम भी बहुत मेहरबान था, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। बहुत खुश थे तुम दोनों, बहुत बोले तो बहुत खुश। यस जी, खुश थे। फॉर ए चेंज, यस। और आरती, तेरी तरफ बार बार इतने प्यार से देख रहा था वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार उसे इस कदर हंसते हुए देखा है, ऐसे लगा जैसे उस दिन से उसने अपनी जिंदगी को सही मायने में जीना शुरू किया है। कोई शिकायत नहीं, कोई अफसोस नहीं। लेकिन जब उसी यश से मैं अभी मिला तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वही बंदा है। मैंने बोला उसको, मैंने देखा है तुम्हें मुंबई में यार, तुम आरती का किस कदर ख्याल रख रहे थे। लेकिन वो सड़ू का सड़ू, मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। और वो शाम मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें बीच हाउस पर छोड़कर घर जाने लगा तो तूने मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया और मुझे बोला, अमन प्लीज यश के इन खूबसूरत लम्हों को इनमें कैद कर लो। और फिर तुम लोग बात करने लगे जैसे जन्मों जन्मों के बिछड़े दोस्त बात करते हैं, और मैं अच्छे बच्चे की तरह तुम्हारे खूबसूरत लम्हों को कैद करने लगा। कैमरा और रिकॉर्डिंग, मतलब तुम्हारे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी है? तेरे मोबाइल में तूने देखी नहीं? Ha ha ha.